श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम। अब यहां जो बैठे लोग हैं, मैं कह सकता हूं ज्यादा नहीं तो 20-30% के तो नाम सहित लोगों को जानता हूँ, और मेरी डांट भी लगभग 20% लोगों ने यहाँ खाई होगी, ये भी पक्की बात। मोटरसाइकिल से राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक का कम से कम 3 बार दौरा मैंने बाइक से किया है। ओम जी भाई साहब ने एक एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र भाई ने एक बार कहा था, मुझे पता है कि मेरे पास में यदि 10 ओम माथुर जी मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान की क्या दुनिया की फिजा बदल सकता हूँ। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी बुलंदियां छू जाएं, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है, सुनो ओम जी, ये बहुत बड़ी खूबी है और मजाक नहीं है, ये इतनी बड़ी खूबी है कि आप न हमेशा अपने पैर जमीन पे रखते हो। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का राज्यपाल बनने के बाद पहली बार राजस्थान आगमन हुआ। इस मौके पर राज्यपाल माथुर का राजधानी जयपुर के बिरला सभागार में नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, क्षेत्रीय संघ संचालक रमेश चंद्र अग्रवाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित भाजपा राजनीतिक क्षेत्र एवं विभिन्न समाजों के वरिष्ठ नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न समाज और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। वहीं राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का नागरिक अभिनंदन किया। राजधानी जयपुर के बिरला सभागार में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिक्किम के राज्यपाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सिक्किम के राज्यपाल के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं जनता का सेवक हूं, सदा उनके मध्य में रहा हूं। मैंने वहां की जनता से कहा है कि राज्यपाल निवास के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। तो एक कुशल संगठक का मामला होता है। जब मैं उनको जोड़ा तो लोग कहते कैसे लोगों को जोड़े हो, तो हमारे विचारों के नहीं है। मैंने कहा विचारों नहीं लाएंगे कहां से। मैंने अध्ययन किया पूरा 200 सीट का, तो 80 सीट तो वसुंधरा जी ऐसी थी कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे। तो उस समय हमने सारा घूम फिर कर किया। ये जो सारे चर्चा हुई आज, ये जो सारा मेरी जन्मपत्री खोली गई, जन्मपत्री बहुत बड़ी और बड़ी विचित्र, बड़ी उबड़ खाबड़ है। में आते थे ये छोटे से है लेकिन माँ खुराबादी है, माँ खुराबादी। ज्यादा अनुभव पुष्प जी को इनका। लेकिन वो दृश्य था, वो मस्ती का वातावरण था, वो वायुमंडल था। लोग आपस में होमोजेनियस करते थे। दिन में खूब लूरा कुश्ती होती थी, रात को बैठ करके साथ भोजन करते हुए सारी चीजें भुला करके आगे बढ़ जाते थे। वहीं राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि आज इस नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में पुरानी स्मृतियां ताजा हुई। मेरी पूरी जन्मपत्री यहाँ खोली गई, जीवन के विभिन्न घटनाओं का स्मरण हुआ। यह कार्यक्रम अपनों का अपार स्नेह का कार्यक्रम है। वहीं माथुर ने कहा कि पाली में संघ के कार्यक्रम में घोड़े पर ध्वज लेकर बैठने वाले थे, मेरी संघ की पहली प्रार्थना की, संघ ने मेरा पूरा साथ दिया। 1984 में एक बड़ा आंदोलन किया, 128 ट्रैक्टरों की रैली निकाली, उस आंदोलन से कानून बदला गया। उस आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरी मित्रता बढ़ी। उसके बाद सोहन सिंह और लक्ष्मण सिंह ने भारतीय भवन बुलाकर भैरव सिंह से मिलने का कहा। उसके बाद भाजपा में आने का पहला कदम मेरा यही था। ऐसी कई घटना मेरे और मोदी जी के बीच में भी हुई, मैं आज उल्लेख नहीं करूंगा उनका। बहुत घटनाएं, अच्छी दोस्ती रही लेकिन घटनाएं भी बहुत हुई। लेकिन घटनाओं के बाद भी उसमें से संगठन निकलता था, संगठन, व्यक्ति नहीं निकलता था। ये संगठन की कुवत रहती थी, हर डिबेट में संगठन निकलना चाहिए हमारे पास। अब यहां जो बैठे लोग हैं, मैं कह सकता हूं ज्यादा नहीं तो 20-30% के तो नाम सहित लोगों को जानता हूं।
कई लोगों ने मेरे साथ 40-45 वर्ष साथ काम किया, कई लोग हैं जो आज ताजा काम करने वाले लोग भी होंगे, और मेरी डांट भी लगभग 20% लोगों ने यहां खाई होगी, ये भी पक्की बात। लेकिन डांट में भी प्रेम था, वो उसमें भी हम कार्यकर्ता का निर्माण करते थे, उसमें से भी हम कार्यकर्ता निकालते थे, और कार्यकर्ता की वजह से ही आज पूरे देश में जो वायुमंडल बना है, अति जबरदस्त वायुमंडल, ये लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की और आप जैसे कार्यकर्ताओं का परिश्रम का। वहीं राज्यपाल माथुर ने कहा कि साल 1990 में मुझे कहा कि आप भाजपा में काम करते रहे, 3 टिकट हमारे कहने से दिए, उसके बाद 13 सीट जीत कर आई, उस दौरान ही भाजपा में संगठन मंत्री के रूप में नियुक्ति की, 12 साल तक भाजपा में संगठन मंत्री के रूप में काम किया। माथुर ने कहा कि 1992 में ढांचा टूटा, 5 सरकारें गिराई गई, 1993 में चुनाव हुए, गंगानगर से भैरव सिंह चुनाव हारे लेकिन बाली से चुनाव जीते, कुशल संगठक के साथ काम किया, उस समय 80 सीटों पर तो भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं थे, मोटरसाइकिल से राजस्थान का 3 बार दौरा किया, वो युग अलग था, प्रदेश में भाजपा को स्थापित किया। बैठे लोग गवाह है कि मोटरसाइकिल से राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक का कम से कम 3 बार दौरा मैंने बाइक से किया है, और यहाँ गुजर बैठे हैं, जब गुजरों के गांव में रहना होता था सुंदर जी, तो बड़े बड़े खाज इनके पड़ने लगे थे, एक एक खाज पे 6-6 सोते थे। ये जो दृश्य जो चला गया, जैसा चीफ मिनिस्टर जी, मुख्यमंत्री जी ने बताया आपको, कहां दिलबाग सिंह जी, खानवा का जो युद्ध हुआ वहां के, मैं मोटरसाइकिल से वहां बैठा हूं, गंगानगर जाना था, यहां से गंगानगर की ट्रेन चलती जा, जयपुर स्टेशन से उस समय सीधी बाइक रख देते थे, बाइक रखते हनुमानगढ़ उतरते, शंगरिया जाके नाना धोना करते, फिर मोटरसाइकिल से प्रवास करते, वो एक युग अलग था, आज युग बदला है। बंधुओं, मोटरसाइकिल से आज चार्टर तक घूमने का अगर बनाया किसने, तो इस पार्टी ने मुझे बनाया, इस कार्यकर्ताओं ने मुझे बनाया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अपनी कार्यशैली से भाजपा कार्यकर्ताओं में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उन्होंने भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने और काम देकर राजनीति में मजबूत करने का काम किया है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ओम जी भाई साहब के साथ काम करने का अवसर मिला, जहां जहां भी वे प्रभारी रहे मुझे आमंत्रित किया, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आपका स्नेह किसी से छुपा नहीं है। मैंने आज ये पढ़ कर के ओम जी माथुर बोला है, नहीं ओम जी भाई साहब के अलावा दूसरी बात ही नहीं होती थी, और मैं यहां देख रहा हूं कि यहां वो कार्यकर्ता है, 80% से ज्यादा वो कार्यकर्ता है जिन्होंने ओम जी भाई साहब ने एक एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया है, और उनको काम देकर के उनको राजनीति में मजबूत करने का काम किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 50 वर्षों से हमारा साथ है, ओम माथुर ने छोटे से गांव में जन्म लिया और निरंतर परिश्रम करते हुए दृढ़ता के साथ एक अनुशासित सिपाही की तरह काम किया, आपातकाल के समय जेल भरने के लिए बाली से पाली आए और जोरदार आंदोलन किए, जिसके चलते उन्हें जेल में डाला गया और कई यातनाएं दी गई। हमारे हिंदुस्तान के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मित्रवत व्यवहार करके, कंधे से कंधा लगा करके देश के विकास में जो भागीदारी निभा रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई ने एक बार कहा था, मुझे पता है कि मेरे पास में यदि 10 ओम माथुर जी मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान की क्या दुनिया की फिजा बदल सकता हूं। ऐसे आदरणीय ओम जी भाई साहब, हम आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, पूरा राजस्थान का हमारा संगठन और आम नागरिक आज इस नागरिक अभिनंदन के तहत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप खूब प्रगति करें, खूब फलें फूलें, देश को नेतृत्व दें, और आपको जहां पर जिस मोर्चे पर लगाया है वहां पर चीन की सीमाएं जुड़ रही है।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ओम प्रकाश माथुर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए नेता है। ऊपर से गरम, अंदर से नरम, छत्तीसगढ़ में कमल खिलाकर असंभव को भी संभव किया। ओम जी भाई साहब की योग्यता का ही परिणाम है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, यह पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है। योग्यता और समर्पण का ही नतीजा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में प्रभारी बनाए गए। उन्होंने पैर जमीन पर रखते हुए सदैव अपने साथ कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क रखा है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी बुलंदियां छू जाएं, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। सुनो ओम जी, ये बहुत बड़ी खूबी है और मजाक नहीं है। ये इतनी बड़ी खूबी है कि आप न हमेशा अपने पैर जमीन पे रखते हो। हाँ। और आपको समझ में है ये बात कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को अपना कांटेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, हमारा साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है। इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है। और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। वही नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद रामचरण बोरा ने कहा कि ओम जी भाई साहब कुशल नेतृत्व करता है और क्षमता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है। इनकी निर्भीक अभिव्यक्ति क्षमता के सभी प्रशंसक है। धीर, गंभीर और स्नेहपूर्ण व्यवहार कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करता है। आपने राजस्थान भाजपा के भाजपा संगठन के महामंत्री के रूप में काम किया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया और फिर आपको हमारे संगठन ने भारतवर्ष की सेवा करने के लिए आपको ऊपर भारत में दिल्ली बुला लिया। आपके व्यापक अनुभव, राजनीतिक कुशलता और जनसेवा की भावना के से परे देश, पूरे देश में राजस्थान का आपने सम्मान बढ़ाया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा जो संबंध रहा है उसे कुछ शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। ओम जी माथुर के साथ 12 साल तक लगातार काम करने का अवसर मिला। हमने मिलकर जो काम किया उसकी स्मृतियां अद्भुत है। दो चार उदाहरण मैं आपको उसमें देना चाहता हूँ, समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मेरा और इनका इतना लंबा संबंध रहा है कि उस सारी बातों को हम कुछ शब्दों में समेट नहीं सकते। लेकिन ओम जी की यह कहानी तो है ही है। एक बार इनके बहुत अच्छे आलोचक थे, अब जो यहाँ से संगठन महामंत्री छोड़कर गुजरात चले गए, वहां भी सफलता मिल गई। और नरेंद्र मोदी जी के साथ समन्वय बिठाने का काम करना कोई मामूली काम नहीं, तो वो ओम प्रकाश माथुर ही कर सकते थे, उन्होंने किया। तो कई लोगों ने मुझे कहा यार ये ओम जी चीज क्या है, ये छत्तीसगढ़ जाओ तो वारवा मानते थे उसको, वो जीत गए। तो मैं ज्यादा लंबा न बोलकर मैंने एक वाक्य बोला, मुझे लाला सुन लो। बोले क्या? वो 100 बाला और 1 लाला बराबर। तो ये जो ताकत ओम जी की थी, इस ताकत के कारण से कई बार मेरे पर भी लगा और ओम जी पर भी लगा, आपके तो लगा फ्रिज में, आपको तो ठंड पीगी, ये कई बार कहा। लेकिन जो ही कोई कहता था ठंड पी, तभी वो किसी चीज के प्रभारी बन जाते। जो कहा आपके पीगी तो आपके बनगा। ये करते करते अंत में पार्टी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ओम जी भाई साहब ऐसे शिल्पी हैं जिन्होंने एक एक कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया है। कार्यकर्ता ओम जी माथुर के व्यक्तित्व से प्रेरणा ले। जिसने एक एक कार्यकर्ता को गढ़ने का काम किया है वो शिल्पी है, जिन्होंने कहा किसकी क्या खूबी है तो उस मिट्टी को उस शेप में उतारने का काम ओम जी ने किया। और उन सब की बात करें तो मैं स्वयं भी उनमें से एक हूँ जिसको ओम जी ने समय समय पर टोकने का, संवारने का काम करते रहे। मुझे ध्यान आता है कि 89 में मेरा संपर्क 88-89 के आसपास आया था थे और उस नाते से कभी कोई विषय आता था तो मार्गदर्शन की बात रहती थी। 89 में मैं पार्टी में आया, उसी समय
माननीय ओम जी का संगठन महामंत्री के नाते कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते आने का अवसर मिला। पार्टी में युवा मोर्चा और साथ साथ ही उसमें विषय आया कि पार्टी में एक मीडिया का प्रकोष्ठ चलाया जाए। मुझे ध्यान आ गया ओम जी ने मीडिया प्रकोष्ठ बने और उस काम को, उस दायित्व को मुझे देने का काम किया। जयपुर में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में भाजपा नेताओं ने सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का स्वागत किया और उनको बधाई दी। नेताओं ने उनकी तारीफ कर अपने अपने किस्सों को साझा किया। इस दौरान माथुर ने भी उनकी तारीफों के पुल की सराहना की। वहीं माथुर ने कहा कि सिक्किम में एक बार फिर सेवा करने का मौका मिला है, जिस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी।